हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज़ मेघना. तो आज है ट्यूसडे. कल मंडे को मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं था, तो आज ट्यूसडे, तो अभी बज रहा है सुबह का 8 और 8 बजे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. तो अभी मेरा नहाना हो गया है, अभी मैं पूजा करने जाऊँगी. तो चलिए लेट्स स्टार्ट द डे. और ये मैंने भगवान जी को आज लाल कपड़ा पहना दिया है, बिकॉज़ आज ट्यूसडे है तो मैंने भगवान जी को भी लाल कपड़ा पहना दिया है. और ये मैं पनफ का बुक्स डाल रही हूँ स्कूल बैग में. और ये है उसका पेंसिल पाउच, और ये है उसका मास्क. सब रेडी करके देना पड़ता है उसको. और ये वो चला जा रहा है अपना स्कूल. लैपटॉप में चार्ज ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा चार्ज कर लेती हूँ लैपटॉप को. और ये अभी मेरे रूम में लग रहा है झाड़ू. अभी मैं जा रही हूँ अपना घड़ी का बैटरी लगवाने, क्योंकि मेरा दो घड़ी का घड़ी चल नहीं रहा है. दोनों का लगता है नया बैटरी लगवाना पड़ेगा. तो मैं फटाक से जाती हूँ और घड़ी का बैटरी लगवा के आती हूँ. ये है मेरा दोनों घड़ी. इसका ये दोनों चल नहीं रहा है, लग रहा है इसका बैटरी चेंज करवाना पड़ेगा. और ये घड़ी है, इसका मैं सोच रही हूँ कोई नया बैंड लगवा लूँ, इसका बैंड थोड़ा चेंज करवा लूँगी. और ये देखिए, 3 दिन से कंटिन्यूस बारिश हो रहा है, इसलिए सारे रास्तों का क्या हाल है. मैं अभी ऑटो में चढ़ गई हूँ. और ये देखिए, इस साइड फ्लावर मार्केट है. और मैं अभी जा रही हूँ घड़ी के दुकान के तरफ. ऑटो से उतर के बहुत वॉक करना पड़ता है. और ये आ गया मेरा घड़ी का दुकान. काउंटर में मेरी वाइट वाली घड़ी पड़ी है, तो उन लोगों ने बैंड मैचिंग करने के लिए रखा हुआ है. तो ये गोल्डन बैंड दिखाया उन्होंने. और पास में ये है एक सिल्वर कलर का मेटल बैंड. ये एक और ब्लू बैंड, मैंने बोला था मुझे ब्लू कलर का बैंड देखना है, तो उन्होंने दिखाया है. और ये देखिए, अब इन लोगों ने बहुत सारा बैंड का सेट्स निकाला है, तो इसमें से भी चूज़ करना है. फाइनली मैंने यही वाला बैंड चूज़ किया है, क्योंकि सब बैंड में से इसी का दाम सबसे कम है. और ये अभी ये काउंटर वाली मैडम ये बैंड को घड़ी में लगा के दिखा रही है कि इसका लुक कैसा आ रहा है. और ये मेरा बिलिंग प्रोसेस चल रहा है, तो मैं यहाँ पर काउंटर में वेट कर रही हूँ. और ये मेरा तीनों घड़ी अभी रेडी होके आ गया है. और अभी मैं जा रही हूँ घर वापस. और यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि बनाना पड़ी हुई है, तो मुझे बनाना लेना था, तो मैंने दो बनाना ले लिया है. और घर वापस आके मैंने पनफ का पूरी बना दिया है, और अभी मैं उसको लंच करा रही हूँ. आज मैं लंच में अपने लिए बनाऊंगी ओट्स स्मूदी. तो ओट्स स्मूदी बनाने के लिए आपको चाहिए ओट्स और एक सेब ऐसे कटी हुई, और 3 खजूर डेट्स, और एक बनाना, और ऐसे 1 कटोरी दही. तब मैं दिखाऊंगी ओट्स स्मूदी मैं कैसे बनाती हूँ. 1 टेबलस्पून मेजरिंग स्पून में आप 6 टेबलस्पून ओट्स ले लीजिए, और उसको ब्लेंडर में डाल दीजिए. अब सारा चीज़ों का एक अच्छा सा पेस्ट ब्लेंडर में बना लीजिए. और खजूर आप इस तरह से काट लीजिएगा, और ब्लेंड करने के बाद ये स्मूदी कुछ इस तरह से बन जाता है. तो ये अभी रेडी हो गया है. और ये शाम का नाश्ता में मैंने बनाया है मैगी, और सबके लिए चाय. और ये है मेरा नाश्ता, और ये है पनफ का मैगी बिना मसाला का. ये मेरे बेडरूम के खिड़की से ये रास्ता दिखता है, और यहाँ से कोई रैली निकल रही है. और ये पनव अभी नीचे खेलने गया है. और ये देखिए, ये अपना साइकिल और स्कूटी दोनों लेके खेल रहा है, और वो रहे इसके फ्रेंड. इसका साइकिल अभी मैंने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में सीढ़ी के नीचे पार्क कर दिया है.
जो है आज दिन भर सोया नहीं है, स्कूल से आके अपना लंच किया, उसके बाद अपने फ्रेंड के घर में चला गया जो कि हम लोग का नेबर वाले फ्लैट में, तो उनके घर चला गया और शाम को 5:30 बजे तक वही था और फिर शाम को दूध पिया और फिर नीचे चला गया और अब जाके इसको मैं नीचे से पकड़ के ऊपर लेके आई हूँ कि ताकि ये कम से कम डिनर करके फिर सोए। प्रणव, प्रणव, तुम आज दिन भर सोया क्यों नहीं? काना तब ना। और दिन में क्यों नहीं सोया आज? मायरा दी के साथ था? अरे सो जाएगा, सो जाएगा। तो अभी मेरा और प्रणव का डिनर हो गया है और मुझे अभी तक घर आया नहीं है, तो वो जब आएगा तब डिनर करेगा। और आज का ये व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ और आप लोगों को अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का ये व्लॉग मैं यहाँ पर ही एंड कर रही हूँ, मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।